उपायुक्त हरिकेश मीणा ने खंड विकास अधिकारियों के साथ जिला में जारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर जारी विकास कार्यों का निरंतर निरीक्षण करते रहें, ताकि सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सके व पंचायत के कार्यों को समय से पूरा किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान करें तथा जल संरक्षण के अधिक से अधिक कार्यों को पंचायत की शेल्फ में डालें। इसके लिए पंचायत स्तर पर लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग टैंक तथा चेक डैम निर्मित करने के लिए प्रेरित करें। इस तरह के जल भंडारण टैंक व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरह से निर्मित किए जा सकते हैं और इसके लिए धन की समुचित व्यवस्था का भी प्रावधान है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने खंडों में जल संरक्षण के निर्माणाधीन चेक डैम इत्यादि के कार्य का निरीक्षण कर इनके तकनीकी पहलुओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। चेक डैम व जल भंडारण टैंकों के निर्माण से भू क्षरण में भी कमी आती है और इससे लघु सिंचाई की सुविधा ग्रामीण लोगों को प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 जुलाई तक लगभग 570 लाख रुपए व्यय कर लगभग 2,50,685 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। इस अवधि में लगभग 96.23% क्रियाशील जॉब कार्ड के सत्यापन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने मनरेगा कार्यों का भुगतान समय पर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायतों में 2 लाख से कम के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।